से पैसे बनाने के लिए पहले हम लोग को टेंसों का ज्ञान होना चाहिए। टेंस कैसे होते हैं, कैसे टेंस बना जाता है, टेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं, पहले टेंस के बारे में हम जानेंगे। टेंस जो टेंस होता है, टेंस टेंस में होता है काल। काल कुल कितने प्रकार के होते हैं, टेंस जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा टेंस प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तीसरा होगा हम लोग का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल होता है। इन टेंसों के चार चार प्रभाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इसके हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में देखें तो इसके भी चार प्रभाग होंगे। पहला भाग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा जो होगा हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार टेंस हो गए। इसके उसी तरह जैसे प्रेजेंट टेंस का चार प्रभाग भी है, उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी चार पार्ट होंगे। इसका भी हम देखेंगे चार पार्ट। जो होगा पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडिफिनिट, इसको इनडिफिनिट टेंस टी फुट टेंस मानिएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा और तीसरा होगा पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम शॉर्ट कट में लिख रहे हैं यहाँ पर हटाने के लिए, यहाँ पर हटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हम लोग हम यहाँ पर कम में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए फ्यूचर, फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस।
प्रेजेंट का हिंदी होगा वर्तमान काल, पास्ट का हिंदी होगा भूतकाल, फ्यूचर का हिंदी होगा भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के भी तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी चार भाग होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार चौथा का भी, तीसरा का भी, फ्यूचर टेंस का भी चार भाग होंगे, फ्यूचर टेंस का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए इतना हम लोग इसके बारे में समझ गए हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होता है उन सब के बारे में हम लोग को ध्यान देना है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग होता है, डू या डज का, डू डज का प्रयोग होता है, डू डज। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम और आर का प्रयोग होता है, इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर सहायक क्रिया प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग होता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन का प्रयोग होता है, हैज बीन या हैड बीन। इसमें हो गया प्रेजेंट टेंस में। अपर पास्ट टेंस में सहायक क्रिया होता है, यहाँ पर डिड का प्रयोग होता है, डिड। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया वाज या वर, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर होगा। पर पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा सहायक क्रिया होगा, हैड होगा, हैड। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन होगा, हैड बीन। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग होता है, विल या शैल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सा सहायक होता है, विल हैव शैल हैव, विल हैव योर शैल हैव होता है, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा सहायक होता है, विल हैव बीन होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन ये होता है। मतलब हम लोग यहाँ पर उनका हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका सहायक क्रिया कौन होगा, डू या डज करेगा सहायक क्रिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया कौन लगेगा, इज एम आर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सहायक क्रिया लगेगा, हैज हैव लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, हैज भी लगेगा, हैड भी लगेगा, ये सहायक क्रिया होती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इन पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सहायक क्रिया लगेगी, डिड का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी, जहां विल बी लग जाएगा या शैल बी सहायक क्रिया प्रयोग होंगी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और या शैल हैव का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सभी टेंसों के सहायक क्रियाओं के बारे में जानेंगे। अब हम उनको देखेंगे कैसे किसका किस में परिवर्तन होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होता है, डू, डू डज होता है, डू या डज। इस इमानी एक्टिव टेंस है, एक्टिव, एक्टिव होता है। एक्टिव से कैसे हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, पैसिव हुआ इसमें, एक्टिव में डू डज रहेगा, डू ड।
डज, डू डज को हम पैसे में बदलेंगे तो इसमें परिवर्तित होगा इज में, इज में एम में आर, इज में एम में आर, इसमें परिवर्तित होगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें इज इज एम आर, इज एम आर ये रहेगा तो पैसिव पास्ट में क्या परिवर्तित होगा इज, इज एम आर, इन सब के साथ कोई भी आ जाएगा, चाहे इज रहेगा तो इज बीइंग लग जाएगा, बीइंग इज बीइंग, अच्छा एम बीइंग आर बीइंग सभी में बीइंग शब्द जुड़ जाएगा। हैज रहेगा, हैज रहेगा चाहे हैव रहेगा, हैज या हैव रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार तो उसको हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, जहाँ हैज बीन देगा हैज बीन या हैव बीन रहेगा, हैव बीन ऐसे रहेगा तो उसका कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, जीव का तीन रहेगा। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देख लिए, अब पास्ट टेंस के बारे में देख लिए। पास्ट टेंस में सहायक क्रिया डिड रहता है, डिड, डिड रहेगा तो उसको एक्टिव रहेगा डिड, तो उसको पैसिव में वाज या वर में बदलेंगे, वाज या वर डिड, या अगर वाज या वर, अगर वाज या वर रहेगा तो हम उसको वाज, वाज बीइंग या वर बीइंग में परिवर्तित करेंगे, या हैड रहेगा, हैड रहेगा तो उसको हम हैड बीन में परिवर्तित करेंगे, हैड बीन में, हैड बीन रहेगा तो हैड बीन रहेगा, हैडबिन रहेगा तो हैडबिन नहीं बदलता है पैसे वाज में, हैडबिन का हैडबिन रहेगा, हैडबिन रहेगा तो हैडबिन ये सब बदलता नहीं है, जो करते हुए रहेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में दे देगा विल, विल या शैल रहेगा तो क्या होगा, विल या शैल रहेगा एक्टिव तो उसका पैसे बनेगा विल बी, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, विल बी, विल बी रहेगा या शैल बी रहेगा, विल बी रहेगा या शैल बी रहेगा तो इसका एक्टिव से पैसिव में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, जीव का तीव्र रहता है वही सब। अगर विल है रहेगा, विल है, विल है या शैल है, विल है या शैल है रहेगा तो विल है बिन लगेगा, शैल है बिन लगेगा, विल है बिन शैल है बिन, विल है बिन या शैल है बिन, अगर विल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन ये रहेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जेम करते हुए लिखा जाएगा। यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिव से पैसे कैसे बदलता है यहाँ बदल लीजिए, दू रहेगा तो डू या डज को एक्टिव से हम पैसे बदलेंगे तो इज एम आर सहायक क्रिया लगेगा, इज एम आर रहेगा एक्टिव से तो पैसे में इज के साथ बीइंग, एम के साथ बीइंग, आर के साथ बीइंग लगेगा। यहाँ हैज है, ये हैव है, एक्टिव में रहेगा तो पैसे में हैज बीन या हैव बीन लगेगा, हैज बीन और हैव बीन रहेगा तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कहते हैं उसी तरह रहने देंगे। डिड रहेगा तो उसको वाज या वर में परिवर्तित करेंगे, वाज वर रहेगा तो उसमें बीइंग जोड़ देंगे, वाज बीइंग या वर बीइंग में परिवर्तित करेंगे, हैड रहेगा तो हैड बीन में परिवर्तन देगा, हैड बीन रहेगा तो हैड बीन का परिवर्तन नहीं होता, जो का तो लिखा जाता है, विल रहेगा या शैल रहेगा तो विल भी या शैल भी लिखते हैं, विल भी रहेगा या शैल भी रहेगा तो उसका परिवर्तन नहीं होता, जो का तो लिखते हैं, विल हैव बीन रहेगा, विल विल हैव और शैल हैव रहेगा तो इसके साथ विल हैव बीन और शैल हैव बीन जोड़ देते हैं, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन रहेगा तो इसका परिवर्तन नहीं होता।
अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट जाकर कैसे बनेगा, उसका परिवर्तन सब एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है दीजिए। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट का हो जाएगा जैसे ही रहेगा ही, तो उसका बाद में जाकर क्या पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, एक्टिव रहेगा एक्टिव, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, पैसिव पैसिव ऑब्जेक्ट जाकर ही हिम बन जाता है, एच आई एम हिम। सी रहेगा एस एच ई, सी रहेगा तो उसका हर हो जाएगा, ई सी इट, इट रहेगा तो इट नम इटे बन जाएगा। किसी का नाम रहेगा तो नाम का नेम ही रहता है, आई रहेगा तो उसका मी बन जाता है, आई का मी, यू रहेगा तो उसका यू का यू भी रहता है, दे रहेगा तो उसका दे बन जाता है, दे रहेगा तो दे, वी रहेगा तो उसका अस बन जाता है। सभी के साथ, सभी के साथ हम उसमें बाई जोड़ देते हैं, बाई बाई बाई, सभी के साथ हम बाई जोड़ देते हैं। इसको उतार लीजिएगा समझने के लिए, इतना ही हो गया। देखिए इतना बता दिए, अब जैसे टेंस में दे देगा, मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, इसका पहले एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव आई हैव अ पेन, चाहे पेन आई हैव अ पेन, एक्टिव है एक्टिव। इसका पैसिव बनाएंगे कैसे, पैसिव पैसिव बनाने के पहले देखिए सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले हम पहले स्थान पर लेकर आते हैं, पहले स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर तो लास्ट में सब्जेक्ट चला जाएगा, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा यानी चौथे स्थान पर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा दूसरा स्थान पर, तीसरा पर मेन वर्ब लगेगा, इस तरह बनता है। तो देखिए पैसिव वर्ब में पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, चौथा स्थान पर ऑब्जेक्ट हमारा ए पेन है, तो पहले ए पेन है, ए पेन, ए पेन हैज सहायक क्रिया हैज लगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैज का हैज है हो जाएगा, हैज बीन, हैज बीन, ए पेन हैज बीन बाई मी, मेरे पास एक कलम है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो पहले इसका एक्टिव बनाएंगे, आई प्ले द फुटबॉल, डब्ल्यू टी बी ए वर्ड, आई प्ले द फुटबॉल, तो पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पहले फुटबॉल को, फुटबॉल को पहले लेकर आएंगे एक्टिव में, एक्टिव इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव तो द फुटबॉल, द फुटबॉल,
द फुटबॉल जो सहायक जो मेन वर्ब है वो क्रिया का थर्ड फॉर्म उसका लगता है हमेशा। कोई भी इसमें एक से पैसे बनाएंगे तो पैसे में हमेशा क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। कोई भी कैसा सेंटेंस हो गया जैसे प्ले है तो उसका प्लेड हो गया द फुटबॉल प्लेड प्लेड बाई आई का ऑब्जेक्ट का होता है मी मी आई आई फुटबॉल प्लेड बाई मी। और बोल देगा दूसरा मैं पत्र लिखूंगा मैं पत्र लिखूंगा आई सेल राइट ए लेटर। तो पहले ए लेटर लिख लाएंगे यहाँ पर एक्टिव है पैसे बनाएंगे तो ए लेटर will be right wrote written क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे a letter will be written by me a letter will be written by me। तीसरा हो गया मैंने एक मैच देखा। इसका हो जाएगा पहले एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव बनेगा आई हैव आई सा ए मैच। मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है टेंस ऐसा ए मैच तो इसका पैसिव वॉइस का बनेगा ए मैच वाज सी का थर्ड फॉर्म सीन हो गया सीन बाय मी। इस तो बनता है। अब यहाँ पर दे देगा राहुल ने भारत के लिए मैच खेला तो पहले तो लिखेंगे इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा राहुल प्लेड ए मैच फॉर इंडिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर ए मैच ऑब्जेक्ट हो रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए मैच वॉज प्लेड बाई राहुल फॉर इंडिया। दे देगा सचिन ने भारत के लिए एक मैच खेला है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टेंस है तो पहले टेंस एक्टिव टेंस बनाएंगे सचिन हैज प्लेड ए मैच फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है
इमेज, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय इमेज इमेज हैज हैज और हैव बीन का बताया हैज का और हैव का हुआ जाएगा टेंस का, तो उसको हैज हैव हैव बीन में परिवर्तित करते हैं। तो इमेज हैज बीन इमेज हैज बीन प्लेड प्लेड बाय सचिन फॉर इंडिया फॉर इंडिया।